सो वेलकम बैक गाइस कैसे हैं आप सब होप सो बहुत अच्छे होंगे मैं हूं आपको प्रतीक सो so, आज हम लोग बात करेंगे स्पेसिमेन पेपर की आपके लिए 2024 के लिए स्पेसिमेन पेपर आ चुके हैं कंप्यूटर में थोड़े से चेंजेस किए गए हैं कुछ नया ऐड किया ट्विस्ट किया है आईसीएससी ने क्योंकि कोविड के टाइम तक पेपर जो है बहुत सिंपल दे रहा था आप कह रहे भाई थोड़े तो मजे ले लो क्योंकि कोविड के टाइम पे तो बच्चों के पास एक एक्सक्यूज था कि सर हमारे पास तो हमारे अभी टीचर्स नहीं कर रहे हैं ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा तो अभी जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है देखते हैं क्या चेंजेस हैं। टोटल आपको पता है हंड्रेड मार्क्स का पेपर आता है अलाउड टाइम्स कितना होता है टू आवर्स का एक यहां पे आपको काम की बात बताता हूँ बाकी पेपर जो होते हैं वो अस्सी मार्क्स के होते हैं और टाइम कितना मिलता है दो घंटे मिलते हैं लेकिन कंप्यूटर पेपर के अंदर क्या होता है सौ नंबर दो घंटे दैट मीन्स पेपर का जो टाइम होता है उसके अंदर आपको स्पीड बहुत मेंटेन करके चलनी होती है थीके? इसके ऊपर क्या, क्या है वो मैं आगे बताऊंगा चलो तो देखो भाई आपका दो पे दो पार्ट में पेपर डिवाइड होगा दो सेक्शन में ये तो पता है सेक्शन ए में सारे क्वेश्चन करने हैं सेक्शन बी के अंदर हम लोग बात करें कोई भी चार क्वेश्चन होते हैं जो कि क्या होते हैं आपका प्यारा जावा प्रोग्राम्स होते हैं जावा प्रोग्राम्स इसके अंदर होते हैं ठीक है इतना होपफुली क्लियर है अब सेक्शन ए के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं सो so दैट आपको जो है क्लैरिटी होती रहे कि भाई किस तरीके से कुछ अलग दिखा हाँ यही देखने की मैं बात कर रहा था कुछ चेंजेस अब क्या आ रहे हैं इमेज बेस्ड ऐसा इसी के अंदर नहीं आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हिस्ट्री में आपने लॉन्ग आंसर लॉन्ग क्वेश्चन में देखा होगा लॉन्ग आंसर में देखा होगा लेकिन अब शॉर्ट के अंदर भी क्या हो रहा है इमेज बेस्ड आपकी चीजें आने लगी है। ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका पहला पार्ट में एमसीक्यू है है लेकिन अब इसके अंदर क्या आ चुका है? राइट दी नेम दीचर दी ऑफ जावा डेप्यूटेड इन पिक्चर जावा का, का कौन सा फीचर है ये फादर की बात हो रही है और चाइल्ड की बात हो रही है तो जब भी कभी फादर और चाइल्ड की बात होती है ये क्या हो गया आपका सिंपल सा The concept of sharing a, class file with uh, class files with the other class is known as what? Inheritance. आपका यहाँ पे किसकी बात हो रही है नहीं हो सकता क्यों क्योंकि रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इन टू सिंगल यूनिट एब्रेक्शन भी नहीं हो सकता पॉलिमोर्फिजम भी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि उसके अंदर वो ओवरलोडिंग पे अप्लाई होता है तो यहां पे आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा इनहेरिटेंस ये आपका करेक्ट आंसर होगा करेक्ट आंसर क्या है आपका इनहेरिटेंस है करेक्ट आंसर आपका कौन सा है एक सेकेंड करेक्ट आंसर आपका कौन सा है इनहेरिटेंस है ठीक है चलते हैं सेकंड आंसर की तरफ सेकंड क्वेश्चन की तरफ द एक्सप्रेशन विच यूजेस ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर इज नोन एज द एक्सप्रेशन अगर कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन जहां पे क्या हो रहा है ग्रेटर इक्वल टू असाइनमेंट में केवल इक्वल टू आता है तो नहीं हो सकता ये क्या हो सकता है नहीं हो सकता है उसके बाद बात करें आगे आपका अर्थमेटिक की अर्थमैटिक के अंदर प्लस आता है माइनस आता है डिवाइड आता है मॉडुलस आता है ये सब आता है तो ये भी नहीं हो सकता लॉजिकल की बात करें लॉजिकल के अंदर और आता है एंड आता है

टर्नरी ऑपरेटर किस टाइप का ऑपरेटर है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई टर्नरी ऑपरेटर किस टाइप का ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर अभी ऊपर जस्ट मैंने बताया था लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और होता है एंड होता है दैट इज उसके अंदर क्या होता है कि आपकी कंडीशन कितनी ट्रू हो रही है कितनी फॉल्स हो रही है उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस मॉडल डिविजन रिलेशनल ऑपरेटर्स आपका क्या बताते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये सारी चीजें कंडीशनल ऑपरेटर ये सही आंसर होगा क्यों उसका सही होगा क्योंकि टर्नरी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कंडीशंस ड्रॉ करते हैं टर्नरी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कंडीशन इसके अंदर क्या होता है आपका टर्नरी क्वेश्चन मार्क और सेमीकोलन इफ एल्स का आपका क्या है सब्स्ट्यूट है इफ एल्स का क्या है अल्टरनेटिव है तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा अगर इसका सही आंसर की बात आएगी तो ये क्या है? आएगा, आएगा आपका कंडीशनल ऑपरेटर आएगा ये क्या आएगा, आएगा, आएगा आपका

तो इसके अंदर आपका आंसर क्या हो सकते हैं बॉक्सिंग बॉक्सिंग की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हो सकती है अनबॉक्सिंग तो कोई वर्ड होगा ही नहीं ठीक है एक्सप्रेसिट टाइप कन्वर्शन डेटा टाइप के ऊपर कन्वर्ट करता है एक प्रिमेटिव डेटा टाइप को दूसरे प्रिमेटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है ना कि क्या होता है आपका वहां पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है इंप्लिस भी ऑटोमेटिकली करता है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में ना कि ऑब्जेक्ट तो सही आंसर इसका क्या होगा बॉक्सिंग होगा बॉक्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप किस किसपे कन्वर्ट हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अच्छे से क्लियर है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नंबर ऑफ ऑफ कैरेक्टर एरे एरे एक एक है 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 जिसके अंदर क्या कैर है? कैर है। की हर बीबीएससी फील्ड अगर बीबीएससी फील्ड के बारे में नहीं पता है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बता दो मैं वीडियो देता हूं बीबीएससी फील्ड एक ऐसा वर्ड है, है जिससे किसी भी डेटा टाइप की साइज के बारे में अगर आपसे पूछ लिया तो आप बताने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको आप आराम से बता लोगे तो कैर की कितना होगा आपका कैर की बात करते हैं इसमें क्या बोला आपका टेन एलिमेंट्स तो है? तो एलिमेंट है तो इसके अंदर सही, सही आंसर हो गया उसके बाद फिर स्कैनर क्लास यूज टू एक्सेप्ट डबल वैल्यूज डबल वैल्यूज क्या है, है? स्कैनर क्लास को कौन सा ऐसा मैथड है डबल के एंट्री की बात कर लो तुरंत क्या हो? आप लिखते हो एस सी डॉट नेक्स्ट कैपिटल डी डबल ऐसा कुछ लिखते हो तो बताओ इसके अंदर से अब सही आंसर क्या होगा ये नहीं हो सकता डबल की बात हो रही ये आपका सही आंसर ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा इंटीजर ये तो एकदम पूरी तरीके से गलत है नेक्स्ट आपका स्ट्रिंग के लिए होता है उसके बाद ये आपका आईएनडी के लिए होता है सही आंसर कौन सा होगा नेक्स्ट डबल आपका नेक्स्ट डबल जो होगा वो क्या होगा आपका सही आंसर होगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अमंग द फॉलोइंग इज कीवर्ड एवरी इज नॉट अ कीवर्ड ऑल इज नॉट अवर्ड इच इज नॉट अवर्ड सही की आंसर क्या हो जाएगा आपका uh, case की बात आ जाएगी ठीक है उसके बाद फिर बात करते हैं मैट डॉट राउंड और मैट डॉट सील मैट डॉट राउंड क्या करता है आपका फाइव के ऊपर की वैल्यू फाइव के अगर फाइव की वैल्यू है तो उसको नेक्स्ट वैल्यू पे लेके जाएगा फाइव से अगर नीचे है तो क्या करेगा नीचे वाली वैल्यू पे लेके आएगा मैट डॉट सील क्या करता है सीलिंग सीलिंग कहां पे होती छत पे होती सीलिंग कहां पे होती छत पे होती तो वो कहाँ लेके जाएगा सीलिंग पे तो इससे आंसर क्या जाएगा? इससे आ जाएगा इससे आंसर आ जाएगा राउंड दैट पॉइंट जीरो प्लस सीलिंग फोर पॉइंट जीरो सकता ये हो नहीं सकता ये हो नहीं सकता इसके अंदर पॉइंट नहीं इस वजह से नहीं होगा तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका इलेवन पॉइंट जीरो आ जाएगा उसके बाद फिर अगला बोला गया है नेम द टाइप ऑफ एरर इफ इन द फॉलोइंग अब ये है इसके अंदर क्या मिसिंग है, है? खुद ही पहले निकाल लो है वेरी गुड ठीक है लॉजिकल एरर नहीं हो सकती है नो एरर कतई नहीं होगा रन टाइम एरर नहीं का एरर है तो सही आंसर क्या होगा एरर ठीक है उसके बाद फिर आपका बोला गया नेक्स्ट का टेंथ क्वेश्चन क्या है कि जावा स्टेटमेंट के अंदर फिफ्थ एलिमेंट हमें क्या करना है एरे का एक्सेस करना है एरे कहां से स्टार्ट होती है एरे कहां से स्टार्ट होती है जीरो से स्टार्ट होती है एरे कहां से स्टार्ट होती है जीरो से स्टार्ट होती है ठीक है तो आपका जीरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये आपका फिफ्थ का एक्स एड्रेस क्या होगा एक्स होगा तो ये वाला तो हो नहीं सकता ये वाला तो हो नहीं सकता ये हो नहीं सकता सही आंसर क्या आपका तो आएगा आपका फोर्थ आएगा इलेवेंथ में आते हैं इलेवन क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका कह रहा है द आउटपुट ऑफ रिमार्केबल रिमार्केबल है सबस्टिंग करता, करता क्या है आप स्ट्रिंग को डिवाइड कर देता है आप स्ट्रिंग को क्या करता है डिवाइड करता है ठीक है

मार्क होगा नहीं मार्क होगा नहीं मार्का होगा नहीं इसका आउटपुट क्या आएगा एबल आ जाएगा अच्छे से क्लियर है Care? Care का rapper class. Rapper class मैंने क्या बताया था इसके पहले भी आपकी वीडियो के अंदर मैंने बता रखे रैपर क्लास करता क्या है आपके प्रिमेटिव को कन्वर्ट करता है प्रिमेटिव को क्या करता है कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर टिव को एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है कौन रैपर क्लास तो रैपर क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है एक सेकेंड होल्ड करिएगा चलिए हाँ, तो यहां पे हम लोग आ जाते हैं एक माइक का चेक करते हैं तो रैपर क्लास की बात करते हैं रैपर क्लास करता है, क्या है मैंने इसके पहले बताया था रैप कर देता है, को क्या करता है? एक का शेप देता है। तो आपका इसके लिए सिंपल सा एक तरीका आपको याद रखना है जैसे आपका आई है तो इसका रैपर क्लास क्या होगा इंटीजर होगा इसका क्या हो जाएगा इंटीजर कैपिटल से स्टार्ट होता है इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कैर की स्मॉल से तो इसका क्या होगा कैपिटल सी से स्टार्ट हो गया पूरा कैरेक्टर हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा कैरेक्टर तो स्ट्रिंग तो हो ही नहीं सकता कैर हो नहीं सकता क्योंकि पूरा कैरेक्टर है कैपिटल सी वाला कैरेक्टर और फ्लोट तो हो ही नहीं सकता तो इसका आउटपुट क्या आ गया आपका इसका आंसर क्या होगा कैर होगा जो कि कैपिटल वाला अगले में देखते हैं ज दैट कंटेंस रैपर क्लास रैपर क्लास एक्चुअल में क्या है लैंग्वेज का पार्ट है आपका जावर डॉट यूट्यूब नहीं आयो नहीं ए डब्ल्यू टी नहीं जावर डॉट लैंग के अंदर लैंग्वेज का पार्ट है आपका क्या रैपर क्लास होपुल इतना अच्छे से क्लियर रहेगा चलिए आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग फॉल इज रीच ऑफ दिंसिपल कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है जब भी कभी क्या होते है ये आपका फंक्शन के अंदर पढ़ाया गया ये आपका फंक्शन फंक्शन नहीं पढ़ाया वैसे भी मैंने आपको अभी आपके स्कूल से पढ़ा दिया गया तो अच्छी बात है नहीं पढ़ाई तो भी मैं बता दे रहा हूँ आपका ओवरलोडिंग uh, की हम लोग बात करते तो उसके अंदर सेम नेम सेम नेम के मोर देन मोर देन वन फंक्शन होते हैं ओवरलोडिंग में क्या होता है सेम नेम के मोर देन वन फंक्शन होते हैं तो इनहेरिटेंस का नहीं होगा क्योंकि इनहेरिटेंस में क्या होता है बेस क्लास जैसे भी लॉइन वाला इसके पहले वाले में एग्जांपल आपने देखा था एक सुपर क्लास होती है और एक बेस क्लास होती है तो ये कंसेप्ट होगा नहीं पॉलिमोर्फिजम क्या होता है

विदाउट विदाउट डेसिमल और अप टू नाइन डिजिट नाइन डिजिट तक का होता है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका ये तो हो नहीं सकता ये भी आपका हो नहीं सकता ये भी आपका हो नहीं सकता, हो नहीं सकता. केवल और केवल ये होगा तो इसके बेसिस पे आंसर क्या आ जाएगा ओनली वन वन एंड थ्री टू एंड फोर वन एंड टू तो इसका आउटपुट क्या होगा इसका आंसर क्या होगा ओनली वन आगे बात करते हैं आपका द मेथड कंपेयर टू रिटर्न डैश वेन टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल देखिए इक्वल इन लोअर केस आपका क्या होता है कि आपका कंपेयर टू फंक्शन क्या करता है यह बताता है कि दो स्ट्रिंग बड़ी है या छोटी है लेक्सिकोग्राफिकली जैसे डिक्शनरी में होता है उस तरीके से बताता है तो आपका लेक्सिकोग्राफिकली दैट मीन आपका ग्रेटर देन ये आपके तीन तरीके की वैल्यू रिटर्न करता है पॉजिटिव नेगेटिव और आपका जीरो तो जीरो किस केस में करता है जब आपकी दोनों स्ट्रिंग में कोई डिफरेंसेस नहीं रहते हैं अगर पहली वाली स्ट्रिंग बड़ी है तो पॉजिटिव करता है पहली वाली स्ट्रिंग छोटी है तो क्या करता है निगेटिव करता है दोनों स्ट्रिंग बराबर है तो आपका क्या करता है वन करता है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा इसका सही आंसर होगा जीरो इसका सही आंसर जीरो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं ये नहीं होगा आपका क्या होगा जीरो होगा कोई दिक्कत यहाँ पे अब यहाँ पे बात आ जाती है जो आपका नए तरीके के क्वेश्चन आए जो नए तरीके के क्वेश्चन आए हैं उसके अंदर इसकी बात आ जाती है एक आपका असलेशन दिया गया है दूसरा रीजन दिया गया है ठीक है कह रहा है इन जावा स्टेटमेंट रिटर्न इन दी अपर केस और लोअर केस क्या ऐसा होता है नहीं होता है तो ये तो स्टेटमेंट क्या होगी गलत होगी स्टेटमेंट क्या है आपकी ये स्टेटमेंट आपकी क्या है सही है तो अब इसके बेसिस पे बोथन एंड रीजन आर ट्रू ये आपका पहला तो यही पे कट गया क्योंकि एक फॉल्स है एक ट्रू है बोत असरेशन ए एन आर आर ट्रू रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन जैसे ही क्या आ गया बोथ बोथ और ट्रू बोथ और ट्रू तुरंत इसको क्या कर दो कट कर दो अब बोलेन क्या ट्रू हैेशन इज फॉल्स एन रीजन इज ट्रू इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा तो सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं इसके अंदर क्या करना है? पहले इन दोनों को देख लो क्या सही है क्या गलत है उसके बेसिस पे देखो यहां पर बोथ और ट्रू तुरंत उठा के हमने काट दिया बोथ और ट्रू तुरंत हमने उठा के काट दिया अब कह रहा है एस्टेरेशन और ट्रू हमने उठा के काट दिया आगे पढ़ना ही नहीं है सिंपल सा कंसेप्ट इस तरीके के आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो वहीं कहीं ना कहीं ऐसी आपको उसकी प्रैक्टिस भी करवाने की कोशिश कर रहा है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं आपका आगे क्या हो जाएगा अगला स्टेटमेंट रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एन एनकैप्सुलेशन डेटा मेंबर्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन नेसरी टू रिप्रेजेंट क्लास एंड मेंबर एनकैप्सुलेशन में क्या होता है रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट एनकैप्सुलेशन में क्या होता है रैपर आपका क्या होता है डेटा और फंक्शंस क्या होते हैं सिंगल यूनिट में चले जाते हैं तो इसके अंदर व्हाट डस क्लास एनकैप्सुलेट एक क्लास क्या एनकैप्सुलेट करती है इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशन कहीं बात ही नहीं आती उसके डेफिनेशन में कहीं नहीं बात आती है दूसरा क्या है डेटा मेंबर एंड मेंबर मेथड हाँ इसके चांसेस तो हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन डेटा मेंबर्स तो क्या हो गया आपका सही है इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मैच नहीं, नहीं कर रहा है मेंबर मेथड एंड ऑपरेशन नहीं मैच कर रहा क्योंकि डेटा दो की वर्ड दो इंपॉर्टेंट की क्या है डेटा एंड मेथड्स मेथड्स का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे मैथड से आपका दूसरा नाम होता है फंक्शन इसके बारे में डीपली अगर आपने पहले से चीजें पढ़ रखी है तो अच्छी बात है बाकी डीप में हम लोग पढ़ेंगे आगे जब फंक्शन पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं कॉल बाय वैल्यू इज नोन एज प्योर मेथड वैल्यू अब देखो इसके अंदर फिर से वही और आपका रीजन वाली बात आ जाती है तो क्या बोला गया है कॉल बाई वैल्यू इज ए प्योर मैथड और क्या आपको नाइनटी परसेंट बच्चों को मुझे अभी पता है प्योर मेथड क्या होते हैं आपका कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस क्या होते हैं ये नहीं पता है तो ये वाला क्वेश्चन जो है आप जब भी कभी इसके ऊपर मैंने आपको इसके पहले सिंपल सी एक ट्रिक बताई थी क्या करना देखो इसके अंदर भी बोथ बोथ रीजन रीजन आर आर ट्रू ट्रू भीशन फॉल्स रीजन ट्रू इस तरीके से कैसे आपको क्लेम करना है दोनों चेक करना है इसके अंदर से सही कौन सा है गलत कौन सा है इसको आपको खुद से करना है इसको आपको क्या करना है बच्चे खुद से करना है ये आपका होमवर्क है जैसे ही आप क्या करोगे रिविजन कर चुके होंगे जैसे ही आप अपने फंक्शन कर चुके होंगे उसके बाद इसके ऊपर जाएंगे चलो आगे बात करते हैं output, आपका इसका, का क्या, है? क्या बोला गया? है, गया है लोअर केस तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा टू लोअर केस बोला गया है तो इस पर्टिकुलर केस में आपका कन्वर्ट होगा तो वन का क्या कुछ लोअर या पर होता है नहीं वन तो वन ही रहेगा तो ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत और क्या सही आउटपुट आ जाएगा बी आ जाएगा होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन नंबर टू की तरफ मूव करते हैं अगला क्या हो जाएगा आपका ये ठीक है इसके अंदर p प्लस टू का इसका क्या कैसे हो जाएगा ये भी दो नंबर का क्वेश्चन है आपका p प्लस क्यू का दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगाओगे आप मैट डॉट पावर लगाओगे यहाँ पे मैट डॉट पावर और उसके अंदर क्या हो जाएगा p प्लस क्यू एक ब्रैकेट के अंदर कॉमर टू इस तरीके से ठीक है एक्सप्रेशन को इवेलुएट करना है एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या दी गई है टू दी गई है इसको इवेल्यूएट करना है तो क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू सबसे पहले एक्स प्लस प्लस पे एक्स की वैल्यू इनिशियली टू है यहाँ पे क्या है लगा हुआ पे क्या लगा हुआ है पोस्ट फिक्स पहले यूज करो बाद में चेंज करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू और नेक्स्ट टाइम के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी होगी थ्री हो चुकी होगी अब यहाँ पे प्लस प्लस लगा हुआ है दैट मीनस ऑलरेडी वैल्यू थ्री है तो प्रीफिक्स लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर आ जाएगा प्लस एक्स लिखा हुआ दैट मींस यहाँ पे भी फोर हो जाएगा तो इवेंचुअली आपका आउटपुट क्या गो आउट इफ यू हैमवर्क डीएच एंड क्लीन यूम सी आर हाउ वेर द कोड है कह रहा है कि भाई आपका सिंपल सा कह रहा है कि ट्राई uh, इस कोड के अंदर क्या दिए गए हैं आपके कुछ एरर दिए गए उसको फिक्स करो सबसे पहली चीज बुलियन ये ट्रू कैसा होगा ये आपका ट्रू जो है डीएच का जो ट्रू होगा वो स्मॉल में आ जाएगा सबसे ये तो सही है कोई दिक्कत नहीं इफ एंड एंड देखिए इसके अंदर क्या है डीएच एंड एंड सी आर डीएच की वैल्यू ट्रू ठीक है यू कैन क्या बोला गया है कि आपको एक कोड है जिसके अंदर प्रिंट हो यू कैन गो आउट जब क्या हो डीएच और दूसरा आपका सीआर जब आप अपना होमवर्क कर चुके हो और क्लीन रूम हो चुका हो दैट मीन दोनों वैल्यू जब ट्रू आए दोनों वैल्यू क्या है जब ट्रू आए तो आपका क्या है आप यू कैन नॉट गो आउट यहाँ पे क्या दिया गया यू कैन नॉट गो आउट और अगर आपका फॉल्स है तो क्या है यू कैन गो आउट तो इसके अंदर सिंपल सा क्या करना है आपको एरर को फिक्स करना है सबसे पहला एरर क्या हो जाएगी ट्रू डीएच की वैल्यू और सीआर की वैल्यू अब कह रहा है कि जब कभी आपका यू कैन गो आउट का प्रिंट हो जब आपका होमवर्क हो चुका हो होमवर्क किसका किस, किस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डीएच और आपका ठीक है तो कह रहा है जब दोनों ट्रू हो और यहाँ पे क्या दिया गया तो सिंपल फाइनल कोड बन गया वो इस तरीके से बन गया आएगा इसका मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूं इसका फाइनल कोड कुछ इस तरीके से बन गया आएगा बुलियन यहाँ पे क्या होगा बुलियन डी एच इज इक्वल टू ट्रू यहाँ पे बुलियन डी एच इज इक्वल टू टू उसके बाद फिर क्या आएगा बुलियन सी आर इज इक्वल टू ट्रू अब मेन चीज क्या है समझना है वो ध्यान से कह रहा है इफ डी एच एंड एंड सी आर यह दोनों ट्रू रहे ये दोनों क्या रहे ट्रू रहे ये दोनों क्या रहे ट्रू रहे, रहे? रहे तो इस पर्टिकुलर केस में आप इसको पूरा लिख लेना मैं आपसे प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं इसको पूरा लिख लेना यू कैन यू कैन गो आउट जब क्या हो ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो क्या होना चाहिए यू कैन गो आउट एल्स लगा दो एल्स लगा दो और क्या हो जाएगा एस ओपीएल यू कैनोट देख देखिए गो आउट अभी तक आईसीएससी क्या कर रहा था ना कोरोना तक आपको बड़ी राहत दे रहा था अभी तक बहुत सिंपल पेपर दे रहा था लेकिन अब चेंज हुआ है अब आपका ट्विस्ट आया है तो इस तरीके से तो थर्ड क्वेश्चन कैसे आपको करना होपफुली क्लियर हो गया होगा उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ की हम लोग बात करते हैं The segment, this, 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 कह रहा है कि डिस्प्ले डिस्प्ले करो जीरो रिस्पेक्टिव ये आपका क्वेश्चन जो होना चाहिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है उसी तरीके से ऊपर वाले की तरीके से इसमें नेम ऑफ एरर कराना है और कैसे इसको मॉडिफाई करते हैं सेम आपका है ये आप खुद करोगे नहीं समझ आएगा तो नीचे कमेंट करोगे मैं अलग से उसके बाद हाउ मेनी टाइम्स आपका एक, लूप एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर ये देखना है तो सिंपल से एस की वैल्यू क्या है टू वाई की वैल्यू क्या है आपका फिफ्टी दिया गया यहाँ पे एक साइड में क्या कर लो टेबल बना लो यहाँ पे सिंपल तरीका क्या होता है बच्चे एक टेबल बना लो टेबल बनाने के अंदर एक्स की वैल्यू क्या है टू दी गई है वाई की वैल्यू क्या दी गई है फिफ्टी दी गई है उसके बाद डू प्लस प्लस एक्स उसके बाद क्या बोला जब तक एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या ना हो जाए टेन ना हो जाए तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या है टू है वाई की वैल्यू यहाँ पे प्लस प्लस दैट मीन अंदर आते ही एक्स की वैल्यू क्या हो गई है थ्री हो चुकी है y माइनस क्या दिया गया है y माइनस तो इसको पूरी तरीके से क्या लिख देंगे y प्लस प्लस तो यहां पे eventually क्या आएगा y की वैल्यू क्या दी गई है दी गई है माइनस एक्स प्लस प्लस यहाँ पे दैट मीनस यहां पे थ्री यूज होगा नेक्स्ट टाइम के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी होगी फोर हो चुकी होगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी सेवन आ जाएगी फिर ऊपर जाएगा यहां से बच्चे का क्या हो जाएगा ये डू पे जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा डू पे जाएगा Plus plus x, x की वैल्यू क्या हो चुकी है फोर हो चुकी है ठीक है एक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी फिफ्टी माइनस थ्री यूज किया है वैल्यू क्या हो जाएगी फोर हो, तो हो, तो हो, हो जाएगी तो यहाँ पे फिर से प्रीफिक्स लगा हुआ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव आ जाएगी y की नई वैल्यू क्या आई y की नई वैल्यू अब क्या आएगी 47 ऑलरेडी हो रखी थी तो y इज इक्वल टू फोर्टी सेवन माइनस क्या हो जाएगा आपका फाइव हो जाएगा विच इज इक्वल टू वाई की नई वैल्यू क्या आ गई वाई की नई वैल्यू आपके लिए क्या आ जाएगी फोर्टी टू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू ऑलरेडी अब क्या हो चुकी होगी सिक्स हो चुकी है एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू यहाँ पे सिक्स हो चुकी होगी और नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे पहली बार यहाँ पे दूसरी बार लूप चला है यहाँ पे दूसरी बार लूप चला है फिर ऊपर गया एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी अब, अब लिए? अब लिए अब आपके लिए ऑलरेडी सिक्स हो चुकी है सेवन हो जाएगी अब फोर्टी टू माइनस क्या करेगा यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा फोर्टी टू माइनस क्या करेगा सेवन करेगा और नेक्स्ट टाइम के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो चुकी होगी एट हो चुकी कब तक लूप चल रहा है जब तक छोटा हो या फिर बराबर छोटा हो या फिर क्या हो छोटा हो या फिर बराबर हो किसके टेन के ठीक है अभी छोटा या फिर बराबर है आपका फिर ऊपर गया आपका वापस से वाई की वैल्यू क्या हो चुकी है माइनस सेवन हो चुका है विच इज इक्वल टू थर्टी फाइव हो चुका है और तीसरी बार आपका लूप चल चुका है फिर ऊपर जाएगा आपका इसी तरीके से वाई की एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू ऑलरेडी एट हो चुकी है यहाँ पे 9 हो जाएगी उसके बाद कंडीशन क्या आ जाएगा y is equal to. तो आपका 35 अब आप 35 माइनस क्या हो गया मेरे बच्चे 35 माइनस आपका 9 हो चुका है व्हिच इज इक्वल टू 24 यहाँ पे y की वैल्यू नहीं क्या आ चुकी है 24 और ऊपर जाएगा x की वैल्यू अब नहीं क्या हो जाएगी x की वैल्यू नहीं क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी x की नई वैल्यू 10 और यहां पे चौथी बार चल चुका है फिर ऊपर गया x की वैल्यू अब 10 के बाद वापस से क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा y कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा y is equal to, 1 सेकंड 24 minus, 24 minus 11 हो जाएगा अब नेक्स्ट टाइम के लिए वैल्यू x की क्या हो चुकी होगी इसके बाद 11 तो आपका अराउंड uh, 3 13 13 आ जाएगा y की वैल्यू क्या आ चुकी है 13 आ चुकी है और x की वैल्यू अब क्या हो चुकी है इलेवन क्योंकि आपका यहां पे इंक्रीमेंट यहाँ पे इंक्रीमेंट x की वैल्यू इलेवन ऊपर जाएगा कंडीशन यहां पे यहाँ पे आएगा कंडीशन हो जाएगी अब रिटर्न वाई तो ओवरऑल कितनी बार चल चुका है आपका लूप नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार लूप चला है फाइव चला है और वर्ड विल बी दी वैल्यू रिटर्न वैल्यू क्या रिटर्न होने वाली y की वैल्यू सिंपल सा देख लो यहाँ पे थर्टीन देखिए क्या है सिंपल सा कोई भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे माइनर मिस्टेक्स होने के प्रॉब्लम सिचुएशंस uh, आ सकती हैं से मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा जब भी कभी इस तरीके के आप मैनुअली क्वेश्चन करो उसको कंपाइलर से उठा के एक बार एग्जीक्यूट जरूर करा लेना ताकि आपको आसानी हो जाए प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाए क्योंकि कई बार ऐसा होता है टीचर से भी इसके अंदर गलतियां होने के चांसेस होते हैं तो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा कि इन तरीके के क्वेश्चंस को क्या करो एक बार जरूर एग्जीक्यूट कराओ ताकि प्रॉपर आंसर 100 नंबर चाहिए प्रॉपर आंसर आए ह्यूमन एरर होने के चांसेस खत्म हो जाए क्योंकि माना जाता है कि 100 परसेंट में एक परसेंट ह्यूमन एरर आपको 100 नंबर चाहिए तो ह्यूमन एरर भी हटाने थ्री आ, तो तो आ, आ जाएगा यहां पे क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा डॉग एन पपी डॉट ट्रिम क्या करेगा ट्रिम कर देगा तो इसके अंदर आपका सिंपल सा है कि कहीं भी आगे पीछे स्पेस नहीं है डॉट लेंथ से वन टू थ्री फोर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन सिंपल से नई मैंने टू जम्पिंग स्टेटमेंट आपका रिटर्न हो गया ब्रेक हो गया और उसके बाद फिर क्या आ गया कॉन्टिन्यू जंपिंग स्टेटमेंट कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं उसके बाद प्रिडिक्ट आउटपुट आपको इसके ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन है होमवर्क है आप कर लोगे उसके बाद फिर आगे आगे के क्वेश्चंस यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर व्हेन देयर इज नो एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन व्हाट आर डिफॉल्ट फॉर दी इंटीजर के लिए जीरो होता है स्ट्रिंग के लिए डबल कोट्स होता है कैरेट डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू गार्बेज वैल्यू के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियो बना रखी है इन डीप अगर आपको समझना है चीजों को कोर्स को पूरा अच्छे समझना है नीचे दिए गए नंबर पर आप कर लोगे और पांच हजार सब्सक्राइबर्स आपके लिए क्या है कुछ ना कुछ सरप्राइजेस हैं चलो आगे बात करते हैं कह रहा है इसके अंदर वैल्यूज पी और क्यू की वैल्यूज आपको क्या है

फ्री के फिफ्टीन मार्क्स होते हैं ये कैसे होते हैं फ्री के आपके फिफ्टीन मार्क्स होते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको उठा के पूरा का पूरा देख लो ठीक है तो यहाँ पे क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर में आपका डिफाइन क्लास कॉल्ड विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन क्लास का नेम क्या e दिया गया ई शॉप दिया गया क्लास का नेम क्या दिया गया ई शॉप दिया गया है उसके बाद फिर आपका स्ट्रिंग नेम दिया गया है डबल प्राइस दिया गया है वर्ड एक्से बोला गया नेम एंड क्या उसके अंदर करना है प्राइस ऑफ द क्लास नेम एंड प्राइस ऑफ द द्लास आपको लेना है

सीक्वेंशियल फॉर्म में करना होता है इसको कैसे करना होता है आपका सीक्वेंशियल फॉर्म में करना होता है इन सब क्वेश्चन को सीक्वेंशियल फॉर्म में तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे यहाँ पे आपका इम्पोर्ट लिख देंगे यहाँ पे क्या लिख देंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल उसके बाद फिर तो स्ट्रिक सेमिकोलन क्वेश्चन में क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है आपको क्या करना है एक एक सेकंड का टाइम ठीक है एक क्या करना है क्लास बनाना है क्लास का नेम क्या होगा क्लास बनाना है क्लास का नेम क्या दिया गया है जैसा बोला है वैसा उठा के छाप दो ठीक है ई ई शॉप कैपिटल ई है उसके बाद स्मॉल है ई शॉप ठीक है पहली चीज आ गई उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या क्या बोला गया इस क्लास को ओपन करोगे अगला काम क्या कर दोगे अगली चीज अब नीचे जाओगे क्लास को ओपन करने के बाद आपके यहाँ पे वेरिएबल्स दिए गए हैं आपके कैसे वेरिएबल दिए गए इंस्टेंस वेरिएबल दिए गए उसको एज इट इज उठा के छाप देना होता है ठीक है तो स्ट्रिंग नेम ले लेंगे क्या कर देंगे सबसे पहला काम एक क्या करेंगे स्ट्रिंग हम लोग नेम नेम का क्या एन कैपिटल है ध्यान दोगे नहीं स्मॉल है और डबल का प्राइस का भी स्मॉल है तो यहाँ पे क्या कर दोगे स्ट्रिंग नेम डिक्लेयर कर दोगे उसके बाद कुलन लगाओगे उसके बाद डबल एक लोगे डबल क्या कर दोगे आप यहाँ पे प्राइस कर दोगे डबल अगला क्या काम क्या करोगे प्राइस कर दोगे तो ये दोनों वेरिएबल्स भी हमारे क्या हो चुके हैं डिक्लेयर हो चुके हैं आपका इसका काम क्या है नेम ऑफ द आइटम परचेज और इसका काम क्या है प्राइस ऑफ द आइटम परचेज ठीक है वाइड एक्सेप्ट फिर अगला चीज क्या बोला गया है वाइड एक्सेप्ट तो इसको ऐसे ही उठा के आपको जैसा दिया गया है सिक्वेंशियल फॉर्म में वैसे ही करना है वॉइड क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे और वर्ड एक्सेप्ट के आगे एक इस तरीके से हो गया और ब्रैकेट को ओपन कर देंगे अब ये फंक्शन की बॉडी क्या हो चुकी है ओपन हो चुकी है अब इसके अंदर क्या बोला गया है बहुत ध्यान समझिएगा कि एक्सेप्ट द नेम प्राइस ऑफ द आइटम यूजिंग द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास स्कैनर क्लास की हेल्प लेके आपको क्या करना है इसके अंदर नेम और उसकी प्राइस को ठीक है जब भी कभी इनपुट होता है तो इनपुट क्या स्कैनर के बिना हो पाता है नहीं हो पाता है तो यहाँ पे क्या करेंगे स्कैनर लिखेंगे उसके बाद फिर क्या लिख देंगे एस सी लिख देंगे इज इक्वल टू न्यू उसके बाद फिर आगे क्या हो जाएगा स्कैनर हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा स्कैनर हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे सिस्टम डॉट इन आ जाएगा सिस्टम डॉट इन तो ये आपकी क्या हो गया पहले आप पूरा का पूरा स्कैनर आपने डिक्लेयर कर दिया है आप क्या करना है आपको इनपुट लेना आप क्या लेना इनपुट लेना तो क्या मैसेज पास करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन यहाँ पे एक मैसेज पास करोगे एंटर एंटर वॉट एंटर नेम एंड कर दिया नेम और प्राइस को आपने यहाँ पे एंट्री करा दी नेम और क्या करा दिया प्राइस की यहाँ पे एंट्री करा दी पूरी अच्छी तरीके से विजिबल है अब अगला काम क्या करोगे आप नेम इज इक्वल टू नेम कैसा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में है इज इक्वल टू वॉट एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन पूरा इसी तरीके से जैसा आपको बोला गया वैसे उठा के आप क्या करते रहोगे इसको कॉपी करते रहोगे ठीक है हो गया उसके बाद फिर आपका प्राइस हो गया प्राइस कैसा है डबल फॉर्मेट में प्राइस कैसा है आपका यहाँ पे देखो डबल फॉर्मेट में डबल की एंट्री कैसे होती है डबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस सी डॉट नेक्स्ट यहाँ पे उसके बाद क्या आ जाएगा डबल आ जाएगा नेक्स्ट क्या आ जाएगा डबल एक ब्रैकेट यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा ठीक है अगला काम क्या करेंगे यहाँ पे होपफुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा अब क्या वाइट एक्सेप्ट के अंदर कुछ और बोला गया है एंट्री के अलावा क्या कुछ और बोला है नहीं बोला है इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं है तो क्या कर दोगे यहां पे आप इसको उठा के ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे यहां पे क्या कर दोगे ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे ये किसका ब्रैकेट क्लोज हुआ ये आपका यहाँ पे आके वाइड आपका एक्सेप्ट का ब्रैकेट क्लोज हो गया ठीक है अगले आगे हम लोग मूव करते हैं आगे क्या गया वाइड कैलकुलेट यहाँ पे क्या दिया गया है वाइड कैलकुलेट और वर्ड कैलकुलेट के अंदर टू कैलकुलेट नेट अमाउंट नेट अमाउंट टू बी पेड बाय बाई कस्टमर बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग क्राइटेरिया कह रहा है नीचे क्राइटेरिया दी गया है इसके बेसिस पे आपको क्या करना है फाइनल अमाउंट कितना है उसको क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है ठीक है आपको उसके अंदर क्या करना है कैलकुलेट करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप एक बनाओगे void, क्या है आपका कैलकुलेट यहाँ पे क्या करोगे कैलकुलेट अब कैलकुलेशन किस हिसाब से है सिंपल सा यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशंस लगी हुई इफ एल्स की क्या लगी गई हैं लगी हुई हैं कंडीशंस लगी हुई हैं तो 1000 से 2500 के बीच में है तो 5 परसेंट डिस्काउंट तो क्या हो जाएगा 1000 से इफ क्या हो गया आपका Price is what? Less than or equal to कितना कितना 2, से से तो आपका देखिएगा बहुत ध्यान समझिएगा कि इसी तरीके से आपका पूरा जो ऊपर दिया गया उसी को हम उठा के क्या करते जा रहे हैं कॉपी करते चले जा रहे हैं ठीक है थीके? अब इस केस में यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मात खा जाते हैं डिस्काउंट यहां पे क्या करना है एक आई हमें डिस्काउंट डिस्काउंट कैसा आई एन टी नहीं डबल फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे अंदर आप एक लोकल वेरिएबल क्या कर दोगे डबल डबल क्या कर दोगे डी आई एस कर दोगे यहां पे एक लोकल वेरिएबल मतलब अंदर आपको अंदर ही केवल काम है ना इसका बाहर तो काम है नहीं तो डिस्काउंट कर देंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी आई एस इज इक्वल टू प्राइस इन टू फाइव उसके बाद डिवाइडेड बाई हंड्रेड पहली कंडीशन इस तरीके से होगी दूसरी कंडीशन पे जाते हैं एल्स क्या कर देंगे एल्स एफ प्राइज इज वॉट प्राइज इज वॉट ग्रेटर इक्वल टू टू फाइव जाएगा आपका कितना दिया गया है यहाँ पे आपका दिया गया है फिफ्टी सेवन हंड्रेड फिफ्टी सेवन हंड्रेड टू सेवन पॉइंट फाइव के हिसाब से तो उठा के वैसे ही हम लोग छापते चले जा रहे हैं फिफ्टी सेवन हंड्रेड कोई इसके अंदर देखो फ्री के नंबर होते हैं मैं आपको बात बता दे रहा हूँ ठीक है

यहाँ पे वन लाख के अराउंड तक का ठीक है तो क्या हो जाएगा उसके इसमें कितना परसेंट डिस्काउंट है टेन परसेंट डिस्काउंट है जैसा बोल रहा है वैसा ही उसको हम लोग छापते चले जा रहे हैं कोई बहुत इसके अंदर रॉकेट साइंस है ही नहीं ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है एक सेकेंड शायद एक छोटी सा ब्लेंडर हो गया है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दिया गया है टू फाइव ज़ीरो ज़ीरो वन दिया गया है तो यहाँ पे क्या कर देना एक छोटा सा वो है ज़ीरो लगा देना एक और जीरो लगा देना एक और जीरो लगा देना एक और जीरो देखो अब यही छोटी सी हम लोग से सेवन गलती हो जाती है तो आप लोग समझो ब्रैकेट लेकिन क्या होना चाहिए हमेशा दिमाग खुला होना चाहिए तो उससे दिक्कत नहीं होती है जैसे गलती हो भी गई तो जब हम लोग बार बार रिपीट करें तो ध्यान पड़ता रहता है ऐसे नहीं करना है कि उठा के छोड़ देना है टेन परसेंट के हिसाब से टेन परसेंट के हिसाब से बोला गया है तो क्या करोगे यहाँ पे इन टू टेन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हंड्रेड हो जाएगा एल्स पे जाएंगे एल्स एफ एस क्या हो गया अगर दस हजार के एक लाख के ऊपर है तो उस केस में डी आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी डी आई एस इज इक्वल टू प्राइस इंटू आई गिफ्टीन परसेंट के हिसाब से दिया गया फिर भी उठा के क्रॉस चेक जरूर आपको करना है कितना दिया गया फिफ्टीन परसेंट के हिसाब से इंटू क्या हो जाएगा इंटू फिफ्टीन अच्छा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या फिफ्टीन पॉइंट जीरो भी लिख सकते हैं हाँ लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं हो नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारे में पॉइंट के अंदर ही वैल्यूज दी गई हैं ठीक है इतना अच्छे से होपफुली क्लियर है जैसे जो दिया गया है उसको वैसे ही उठा के छाप देंगे क्या इसके अंदर अब और कुछ बोला गया वर्ड डिस्काउंट डिस्काउंट हो गया अब इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग एक बात है जो बच्चे जहां पे गलतियां कर देते हैं यहाँ पे क्या बोला कैलकुलेट दी नेट अमाउंट अभी तो हमने केवल डिस्काउंट निकाला अभी तो हमने क्या किया डिस्काउंट अच्छा नेट अमाउंट जो रहेगा उसका काम हमें यहाँ भी पढ़ने वाला है डिस्प्ले दी नेम एंड नेट अमाउंट तो मतलब उसको क्लास के अंदर मतलब फंक्शन के अंदर नहीं डिक्लेयर करेंगे जैसे ये फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया डीआईएस को हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया That means, केवल कैलकुलेट के अंदर यूज हो सकता है अब हमें नेट अमाउंट को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करोगे आपका डबल डबल क्या हो जाएगा डबल नेट अमाउंट एन ए कर दिया हमने डबल एन ए कर दिया अब एन ए क्या है हमने खुद से अगर आपको कैलकुलेशन के अंदर लग रहा है कोई ऐसा एक वेरिएबल की नीड पड़ेगी जो क्वेश्चन में नहीं दिया तो यू आर फ्री टू यूज दैट बट जितने दिए गए उसको तो पक्का ही है यूज करना है ठीक है तो यहाँ पे हमने इस तरीके से डबल एन ए लगा दिया उसके बाद फिर आगे क्या करेंगे आपका एन ए ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले एन ए इज इक्वल टू वॉट आपका प्राइस माइनस डिस्काउंट तो इससे क्या हो गया आपका एन ए के अंदर क्या आ चुका है नेट अमाउंट आ चुका है एन ए के अंदर क्या आ गया है नेट अमाउंट आ गया इसके अंदर क्या आ गया, आ गया आपका नेट अमाउंट डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया उसके नेट अमाउंट अब इसको हमने क्या कर दिया कैलकुलेट को क्लोजिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ क्या हो गया कैलकुलेट कैलकुलेट हमारा क्या हो चुका है यहाँ पे क्लोज हो चुका है फिर हम लोग आगे मूव करते हैं ये क्लोज हो गया है आगे मूव करेंगे अगला क्या बोला गया वर्ड डिस्प्ले टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द आइटम एंड नेट अमाउंट टू बी पेड तो अब इसके अंदर हमें दो चीज डिस्प्ले करानी नेम और एनए नेम और क्या कराना है एनए कराना है ठीक है तो क्या कर दोगे यहां पे सिंपल सी बात है यहां पे एक सेकेंड वर्ड क्या हो जाएगा वर्ड डिस्प्ले यहां पे क्या हो जाएगा वर्ड डिस्प्ले हो जाएगा ब्रैकेट को ओपन करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे उसके अंदर एक मैसेज पास करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन उसके बाद फिर क्या हो जाएगा नेम इज इक्वल टू किसके अंदर स्टोर है नेम के अंदर स्टोर है उसके बाद फिर क्या करेंगे सिस्टम डॉट फिर अगला क्या हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन उसके बाद क्या है नेट अमाउंट नेट अमाउंट नेट अमाउंट वो किसके अंदर स्टोर है नेट अमाउंट आपका एन ए के अंदर स्टोर है ठीक है ये आपका इस फंक्शन में और कुछ बोला गया है नहीं बोला गया है तो इस फंक्शन में यहीं पे उठा के क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे क्लोजिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ क्या डिस्प्ले यहाँ पे डिस्प्ले क्या हो गया आपका क्लोज हो गया होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया यहाँ पे डिस्प्ले आपका क्या हो चुका है क्लोज हो गया है अब एक इंटरेस्टिंग चीज लास्ट में क्या बोला गया है राइट अ मेन मेथड राइट द मेन मेथड हम लोग क्वेश्चन को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनाते जा रहे हैं पंद्रह नंबर इसी तरीके से सिक्योर हो जाएंगे राइट द मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड कॉल दी अब मेथड क्या बोला गया राइट मेन मेथड मेन बनाओ फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करो खुद ही बता रहा है मेन बनाओ ऑब्जेक्ट क्रिएट करो कॉल करो मेन बनाओ ऑब्जेक्ट क्रिएट करो कॉल करो ये खुद ही बता रहा है तो अब मेन बनाने का तरीका आपको पता है मेन कैसे बनता है आपका यहाँ पे आप लिखोगे पब्लिक यहाँ पे क्या लिख दोगे पब्लिक उसके बाद फिर क्या लिखोगे स्टैटिक फिर क्या लिखोगे आप यहाँ पे वर्ड लिखोगे फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे मेन लिख दोगे ब्रैकेट को ओपन कर दोगे फिर क्या कर दोगे ब्रैकेट को ओपन करोगे फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका अब मेन बन गया मेन के बाद क्या बोला ऑब्जेक्ट बनाओ किसका ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वेरी गुड बच्चे ठीक है तो क्लास का क्या नेम है आपका क्लास का नेम क्या है ई e शॉप है क्या है ई e शॉप ये देखो क्लास का नेम क्या है ई e शॉप तो इसको उठा के एज इट इज आप क्या करोगे कॉपी करोगे और उसके बाद सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया ई शॉप ई शॉप उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम आप कुछ भी दे सकते हो सपोज मैंने नाम लिख दिया प्रतीक यहाँ पे हमने क्या लिख दिया नाम प्रतीक इज इक्वल टू न्यू ई e शॉप उसके बाद शॉप e यही फॉर्मेट आपका तो होता है क्लास नेम उसके बाद आपका क्लास नेम उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम और आगे ये बंद हो जाता है इस तरीके से कंस्ट्रक्टर आपका बन बन गया गया ठीक है है पे बनाने के बाद अब अगला मेन क्वेश्चन बता रहा खुद ही मेन बन गया ऑब्जेक्ट बन गया कॉल करेंगे अच्छा कॉलिंग का तरीका कैसे होना चाहिए इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट इनपुट किसमें हो रहा है वर्ड इनपुट के अंदर हो रहा है प्रोसेसिंग किसमें हो रहा है वर्ड कैलकुलेट के अंदर हो रहा है और डिस्प्ले किसके अंदर हो रहा है वर्ड डिस्प्ले के अंदर हो रहा है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रतीक डॉट प्रतीक डॉट पहला फंक्शन इनपुट वाला फंक्शन का नाम क्या था देखो वापस उठा के जरूर चेक किया करो वापस उठा के जरूर एक्सेप्ट नाम था इसका क्या नाम था एक्सेप्ट था तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे एक्सेप्ट लिख देंगे प्रतीक डॉट क्या लिख देंगे एक्सेप्ट लिख देंगे उसके बाद फिर अगले फंक्शन का नाम क्या था आपका प्रतीक डॉट यहाँ पे क्या कर दो दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट यहाँ पे क्या आ गया दूसरा क्या है कैलकुलेट यहाँ पे क्या हो गया कैलकुलेट है यहाँ पे क्या है आपका कैलकुलेट है उसके बाद फिर तीसरा क्या है प्रतीक डॉट इनपुट प्रोसेसिंग उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कैलकुलेट के बाद आपका डिस्प्ले दिया गया है। क्या दिया गया है आपका कैलकुलेट हो गया और लास्ट में क्या है आपका डिस्प्ले जो कि सबको डिस्प्ले कराएगा तो डिस्प्ले हो गया हमने क्या किया पहला काम इनपुट करा लिया एक्सेप्ट कैलकुलेट कर, करा लिया और यहाँ पे क्या कर दिया डिस्प्ले कर दिया कुछ और कराना है नहीं कराना है एक ब्रैकेट बंद दूसरा ब्रैकेट बन ये किसके लिए बंद हुआ ये आपका मेन का है ये आपका किसका है मेन का है और अब जाके हमने फाइनली क्या कर दी क्लास को क्लोज कर दी और कुछ इस प्रोग्राम में बोला गया है? नहीं बोला गया है. तो क्या ये अगर इस तरीके से प्रोग्राम करोगे पंद्रह में पंद्रह मिल जाएंगे पंद्रह में अभी कितने मिलेंगे आपको तेरह मिलेंग, मिलेंगे बारह तो मिलेंगे कहोगे सर ये तीन नंबर का तीन नंबर का भी बता दे रहा हूं तीन नंबर का होता है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल ठीक है तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल फटाफट एक बार बना देते हैं इस तरीके से आपकी वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल होती है ये आपका तीन ब्लॉक बना देना उसके अंदर क्या करना रहेगा तीन ब्लॉक बनाना रहेगा नेम आ जाएगा उसके बाद फिर क्या आ जाएगा डेटा टाइप आ जाएगा उसके बाद क्या आ जाएगा डेटा टाइप आ जाएगा उसके बाद उसका आ जाएगा डिस्क्रिप्शन उसका क्या जाएगा, आ जाएगा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहली चीज यहाँ पे लिख दोगे वेरिएबल यहाँ पे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इसको लिखना जरूर है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन ठीक है हेडिंग जरूर दे दिया करना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद फिर बात करते हैं सबसे पहली चीज यहाँ पे नेम आपने यूज किया है उसके बाद क्या यूज किया? किया है प्राइस यूज किया है उसके बाद डी आई एस यूज किया है उसके बाद एनए यूज किया है नेम क्या है स्ट्रिंग टाइप का नेम कैसा है स्ट्रिंग टाइप का प्राइस कैसा है डबल टाइप का उसके बाद फिर डी आई एस की बात करते हैं ये भी डबल का है और एन ए भी कैसा है डबल का है अब इसका क्या काम है फॉर एंट्री फॉर नेम ऑफ फॉर नेम ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नेम क्या है उसके लिए है उसके बाद फिर बात करते हैं डबल प्राइस की फॉर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ये किसके लिए है प्रोडक्ट के प्राइस के लिए जो भी काम होता है उसी को क्या करते हैं हम लोग सिंपल सा उठा के लिख देते हैं फिर तीसरी बात कर लेते हैं डिस्काउंट की फॉर डिस्काउंट ऑफ प्रोडक्ट ये क्या हो गया आपका डिस्काउंट ऑफ प्रोडक्ट उसके बाद ये फॉर नेट अमाउंट ये काम खदम तो यही आपको लिख देने से क्या हो गया अब आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ पंद्रह में से पंद्रह नंबर इस तरीके से मिल जाएंगे आपको सो होपफुली यहाँ तक एकदम अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया बाकी कोई दिक्कत परेशानी कष होगी तो so, आप मुझे कॉर्डिनेट कर सकते हैं कहाँ पे एट दी रेट बी यूनिक सारे लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कोई भी दिक्कत होगी रीच आउट करो मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा सो फाइन ऑल द बेस्ट थैंक यू